हमें इनवाइट आया सुनील भाई की तरफ से और हमने वहाँ पे इफ्तारी पे जाना है। हम तो लेट है ही हैं, लेकिन ये सामने एक और बंदा कौन लेट आया? क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। कुछ कुकिंग चैलेंज? यस यस करना है। नहीं जीत सकते तुम लोग, ये सोच है आपकी। डाले नुमा गाड़ी खड़ी हुई है, या अल्लाह टूट पहने देखो जरा लिपस्टिक से खुश हो रहा है, पता चले बाद में चाची के बैग में से लिपस्टिक निकाल के बच्चियों को गिफ्ट कर रहा है। अपने चाचू तो है ना, लेकिन जो इफ्तारी है वो आज मुझे बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें इनवाइट आया सुनील भाई की तरफ से और हमने वहाँ पे इफ्तारी पे जाना है। खैर मैं उठी आज थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद नींद नहीं आई। पता नहीं एकदम नींद का भी कोई प्लान होता है, वो कहती है कि भाई इस टाइम मैंने नहीं आना, तो 6 बजे जाके कहीं मुझे नींद आई है और फिर मैं सोई हूँ। और अब आपके सामने मेरी आंखें भी आपको लग रहा होगा काफी स्वेल हुई हैं। आप लोगों के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं अपनी परफ्यूम कलेक्शन दिखाएं, अपनी स्किन केयर रूटीन दिखाएं, अपनी चीजें दिखाएं, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और ये देख लें जी, मैंने कपड़े भी निकाल के रख लिए हैं, अपने भी रख लिए हैं, अरीब के भी रख लिए हैं। ये अरीब का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा है। और ये मेरा ड्रेस है, ये हम लोग बहनों ने एक जैसा कपड़े लिए थे चारों बहनों ने, तो ये मेरा पार्ट वाला जो है ना वो मैं आज पहनने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब मैं होने लगी बस तैयार, अरीब साहब को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि आप भी रेडी हो जाए, टाइम कम है क्योंकि 4:30 हो गए हैं, हम लोगों को 5 बजे एटलीस्ट वहाँ पे होना चाहिए, बल्कि 5:30 तक, ताकि हम लोग जो है वहाँ पहुँच के बातें शाते कर सके। काफी लोग आ रहे होंगे, देखते हैं हमें वहाँ पे कौन कौन मिलते हैं। तो अभी फिलहाल होते हैं तैयार, बुलाते हैं अरीब साहब। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक तैयार नहीं हुई हो? अरीब एक मिनट, तैयार होना, कपड़े शपड़े निकालने, चीजें निकालनी, कमरा सारा मैंने समेट लिया है, अब मुझे शावर लेना। यार मेरा शैम्पू खत्म हो गया, अभी मैं गई हूँ देखने, मेरा शैम्पू खत्म हो गया। प्लीज इतना बड़ा मसला क्या, भाभी से पकड़ लो कोई शैम्पू वो यूज कर लो। नहीं आपने स्पेशल, मेरा एक शैम्पू है मैक्ले लंडन, मैं आपको दिखाती हूँ, आपने मैं आपको बोतल दिखा देती हूँ, सेम इसके जैसा शैम्पू लेके आना, ठीक है? दिस इज माई शैम्पू, ये बल्कि बॉटल अगर साथ लेके जानी साथ ले जाए, ये एग्जैक्ट उनको कहना कि ये शैम्पू इसके साथ एक छोटा कंडीशनर होगा वो देना, ये लेके आए। इकरा नीचे से भाभी से कोई शैम्पू ले लो, ये जरूरी है कि तुमने यही शैम्पू यूज करना है? अरे ये सल्फेट फ्री है, इससे हेयर फॉल खत्म होता है। अच्छा पहले लेके आए, बाद में आपको इसके फायदे बताऊंगी, पहले ये लेके आए। लेट करी जाएगा, लेट करी जाएगा, लेट नहीं, आप शैम्पू लेके आए, पकड़ो मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है जल्दी जाए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलें जी गाइस, अरीब साहब आ गए हैं। ये ले मैडम, मिल गया कंडीशनर भी, मिल गया शैम्पू भी, मिल गया, शुक्र है। 2 सेकंड लगाए तैयार हो जाए क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, कहीं भी टाइम से जाना चाहिए अच्छी बात होती है, हर जगह लेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आइंदा के बाद मेरे शैम्पू टाइम से जब आप ले आएंगे मैं टाइम से बता दिया करेंगे, जो टाइम से आ जाए करेगा, क्योंकि आपको कोई और शैम्पू तो चाहिए नहीं, आपको यही चाहिए, तो टाइम से बता दिया करेंगे। भाई गाइस मुझे यही शैम्पू चाहिए होता है, मैक्ले लंडन है, आपको मैं बता दूंगा ये मैं कब से यूज कर रही हूँ। जब बायकॉट हुआ था ना प्रोडक्ट्स का, मैंने बहुत सी प्रोडक्ट्स ट्राई की थी और मेरे बाल गिरना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर मैंने डिस्कवर किया था मैक्ले लंडन। गाइस ये सल्फेट फ्री है, बालों को थिक करता है, बालों की डेंड्रफ खत्म करता है और बहुत जल्दी बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और शाइन बहुत अमेजिंग आती है। और दूसरी बात ये कि बालों को वॉल्यूम देता है, क्योंकि ये जैसे थिक एंड वो होता है ना डेंस, ये वो वाला शैम्पू है। और उसके साथ अगर आप कंडीशनर यूज करते हैं तो आपके सारे जो इसके वो है ना फायदे वो डबल हो जाते हैं। हेयर को बोटॉक्स करता है, जैसे हम चीक्स पर टीके लगा के बोटॉक्स करते हैं ना, ये शैम्पू आपके बालों की बोटॉक्स है। शैम्पू पर टीके लगाता है? नहीं, सर पर टीके लगाता है, ये आपके सर पर टीके ही लगे हुए हैं। और वैसे मेरी उम्मीद आ रही है, लोग इतने वो सैलून में जाते हैं ट्रीटमेंट्स कराने, तो हेयर बोटॉक्स जब घर में मिल रहा हो तो मुझे लगता है इससे पहले कराना चाहिए। भाई मैं तो करा रही हूँ, आप करना शुरू कर दे, आपके बाल भी जल्दी लंबे हो जाएंगे। अभी शुरू करता हूं, अभी शुरू करें इसको, ठीक है? और वैसे भी ICS ब्रांड्स जो वेबसाइट है उस पे ऑफ भी लगा हुआ है इनकी वजह से, अभी वहां पे जाके अपना जो है वो शैम्पू ऑर्डर करें और अपने बालों का हेयर बोटॉक्स कराएं। मैं तो जा रही हूं भाई तैयार होने, बाल धो के आपको दिखाते हैं। 1 hour later मैं हो गया हूं तैयार, लेकिन एक मैडम पिछले 2 घंटे से तैयार हो रही है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रही, मैंने 5 मिनट लगाए टोटल, ठीक है? टोटल 5 मिनट में मैं तैयार हो गया हूँ। और ये देखें, वो एक लड़की जब तैयार होने जाती है तो वो छपक नहीं हो सकती है क्योंकि हाँ। वो लेट गया। देखें गाइस मैंने अपने बाल शाल धो लिए हैं, ये देखो कितना वॉल्यूम आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देखिए ना मैंने ब्लो ड्रायर अभी तक यूज किया ना मैंने स्ट्रेटनर यूज किया, बहुत वॉल्यूम आ गया। आपका शैम्पू बहुत बेस्ट है, मैंने मान लिया, प्लीज मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, देख ले मेरे बाल देख ले। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत वॉल्यूम आ गया, मैंने मान लिया आपका शैम्पू बहुत अच्छा, लेकिन आप प्लीज तैयार हो जाए। फाइनली मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल एकदम चकाचक बिंदास किस्म का तैयार, और अरीब साहब सबसे लेट है इस वक्त,
अरीब तो ओहो एटिटो हु स्टाइल यू हां यस सबसे पहले फुल लुक में ये जूती देखें अरीब ये ना दिखाओ यार आप सबसे पहले मेरे जूते मैं जूते गाड़ी में जाके पहनूंगी उसको बड़ा लंबा टाइम लगेगा तो अब जो है ना ये देख लेना लेट हो गया घंटे का रास्ता तेरी मेहरबानी प्लीज निकलो निकलो चलो लेट्स गो मैं बस इतना प्यार से कहेंगे इतनी मेहरबानी करें ओ मेरा दुपट्टा ओ उधर बाहर मैंने रखा हुआ है अब बस हम लोग निकलने लगे लेट्स गो अस्सलाम वालेकुम भाभी पहले बताएं मैं कैसी लग रही हूं माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी प्यारी बहुत हसीन जमील शकील रही बिल्ली कहाँ है बिल्ली सो गई है भाभी आज हमारे बगैर इफ्तारी करेंगी हम लोग बस निकलने लगे मैंने कहा मैं आपसे मिलती भी जाऊँ ठीक है हमें ज्यादा मिस नहीं करना आपने लेट तो नहीं होंगे ज्यादा लेट नहीं होंगे आ जाएंगे आपके हिस्से की इफ्तारी भी खाऊंगी आप मेरे हिस्से की इफ्तारी भी रख लेना फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और निकले हैं हम लोग इस वक्त ठीक 5:30 बजे ठीक है 5:40 पे 5:40 पे अरीब 10:30 मिनट की गुंजाइश होती है जी होती है ना नहीं होती नहीं होती और मैं बस जूते शूते मैंने साथ रख लिए हैं मैं जूते पहनूंगी और उसके बाद बस निकलते हैं यहाँ से सीधा पहुँच के आपको मिलवाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है और बस टाइम से पहुँच जाए हम लोग पहुँच गए हैं और हम थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रोजा हमारा गाड़ी में ही खुल गया था और अजाने शुरू हो तो लेट है ही है लेकिन ये सामने एक और बंदा कौन लेट आया ये जो है ना ये सबसे लेट पहुंचे हैं दोनों आ गए ये हमारे साथ हमेशा लेट में आप ज्वाइन करते हैं 2 मिनट बाद मैं पहुंचूंगा मतलब लेट ही हम भी लेट हुए हैं ना तो आप 2 मिनट भी लेट हुए हैं हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे सबसे मिल मिल लिया इफ्तारी वगैरह हमारी हो गई है हमें ज्वाइन किया महाने और बहुत देर बाद मिल रहे हैं बहुत देर पता मेरी शादी पे मिले थे और वो भी सही से मिल नहीं पाए थे यार ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है उन्होंने स्पेशली नाम लिखा हुआ है नाइस मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे अरीब का था एक थाल आई उन्होंने खाना खाते हुए इधर उधर अरीब ने और ये देखे अरीब परवेज लिखा हुआ है वहाँ पे जिस जिसका नाम था यार ये वैसे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट रहता है कि जिसने जहाँ जहाँ बैठना हो ना वो आराम से वहाँ वहाँ बैठ सकते हैं सारी पे ना ये आप लोग मेरे सर पे देख सकते होंगे मच्छरों ने ना मच्छरों ने पार्टी शुरू कर दी है ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इतनी शानदार इफ्तारी कराई आपने माशाल्लाह क्विज होएगा मजा आएगा यहाँ पे जो है ना वो हम लोग खाना खाने लगे हैं और ये क्या है फिश क्रैकर है स्टार्टर में तो बस हम फिश क्रैकर खाते हैं इफ्तारी तो हो गई थी अब हम लोग लगे हैं खाना खाने जो असल गेम होती है तुमने खाना कितना खाना कितनी सी हूँ अरे इतनी सी भी नहीं हूँ यार अब जाके आपको मैं पूरा मेन्यू दिखाती हूँ हम लोगों के पास ना फूड का प्रो भी है यहाँ पे फूड के प्रो मैक्स है कैसे हैं आप पता नहीं मैं तो वही अभी सोच रहा था कि सारे बैठे हुए हम उठ के नदीदे ना आपकी बन गई प्लेट खाना माशाल्लाह नाइस इफ्तारी वगैरह तो हो गई थी बड़ी जबरदस्ती मिल गए हमें कुछ प्यारे प्यारे दोस्त हेलो हाय वेयर इज योर हस्बैंड एंड वेयर इज योर वाइफ My wife is in Dubai. Is in Dubai. Where, her husband is. My husband is very much in Canada. कैसी हैं आप ठीक हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र आप कैसे? फिट फाट एकदम बिंदास बस YouTube छोड़ते छोड़ते वापस आ गई जी बिल्कुल मुझे पता है कल मैंने हाँ मैंने कहीं पे देखा था कि माय लास्ट व्लॉग हाँ वो मैंने अप्रैल फूल किया था वाम के साथ कल वो इनको भी बड़ा शौक लगा था हाँ मुझे नहीं मुझे था कि झूठ है पर मैं भूल चुकी थी कि अप्रैल फर्स्ट को ही आ रहे हैं मैंने डेट नहीं देखी ये तो पता था ये झूठ बोलती है इकरा अस्तगफिरुल्लाह कौन सा शबी शबी मैं कौन सा झूठ बोलती हूँ अप्रैल फूल वाली चीज हमें बाद में बता लेगी तो हमने कहा वो अच्छा आई न्यू कि झूठ है पर मैं डेट भूल चुकी हुई थी और फिर मुझे आधी वीडियो तक देखनी पड़ी मुझे था मैंने चले वो वीडियो तो पूरी देखी थी ना छोड़ने से पहले एक दफा हमारी कोलैबोरेशन एक रहती है ओह यस यस के अंदर हमने वो कपल्स कुकिंग चैलेंज यस यस करना है ऑन द वे है मैं कुकिंग सीख ली है आलू के पराठे सीख लिए हैं बड़ा फायदा होने वाला है नहीं जीत सकते तुम लोग नहीं जीत सकते ये सोच है आपकी भूल जाओ आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मैं तुम्हें ओवर एस्टिमेट करके बता रहा हूँ तुम लोग नहीं जीत सकते तारी हमारी हो गई थी और ये गिफ्ट आ गई तुम्हें मेरी तरफ से ये क्या ईदी अरीब उन लोगों ने दी है आज चले अरीब कितने वैसे आप मुझे ये ईदी दे रहे हो क्या हो गया ये सुनील भाई ने दी है हाँ बहुत अच्छी भाई ईद मुबारक का अभी जाके मैं खोलूंगी इसमें है क्या जाके टेस्ट इसको देखेंगे कि इसमें क्या है अरे वो मेरे जूतों के साथ एक दफा फुल लुक दिखा देंगे प्लीज जी जी कौन सा फुल लुक देख लें वाह भाई वाह ठीक है
हम लोग बाहर आए हैं तो इधर से डाले नुमा गाड़ी खड़ी हुई है। या अल्लाह, इनके घर पे सही गाड़ियों की ना सही वैरायटी, सिर्फ इनके उस पे वेबसाइट पे नहीं। अगली ये वाली गाड़ी कौन सी है? ये तो छोटी मेहरान लग रही है। हाँ, वो क्या होती है गाड़ी की टाइप है एफएक्स। मैं कह रहा हूँ सुनील भी यहाँ पे गाड़ियों की चाय पड़ी है, निकाल लेते लेके चलते हैं। ईदी दे दे उनको, वो देख इनमें ईदी ले लेते हैं। चेक करो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये सार ये कैब, ये कौन सी है? पोर्शा। अच्छा, पोर्शा। बाहर आए इतने सारे बच्चे आ गए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चों? ठीक हूँ। अच्छा बनाया था, अप्रैल फूल बनाया था आपको? अच्छा लगा था आपको? अगर मैं छोड़ दूँ तो अच्छा लगा था आपको? फोटो लेनी है सबने? चले आजो आजो। ये भाई इतनी सारी गाड़ियों में रिच मॉम किधर है? रिच मॉम अगली गाड़ी की तैयारी कर रही है। और देसी मॉम को लेके आए हुए इतनी गाड़ियों में, यार क्या करते हो? रिच मॉम भी गाड़ी की हुई है। अच्छा ये सारी भाई ये टीम आई हुई है गुजरांवाला से। हेलो गाइस, बहुत अच्छा कंटेंट होता है आपका, अमेजिंग। मैंने आपका कल व्लॉग देखा, मैं प्रैंक कर दिया। मैं अभी अरीफ भाई को बता रहा था, पहले मैं गया एंड में। सियाने सियाने खुद भी कंटेंट क्रिएटर है ना, इसलिए उनको पता है। लेकिन देसी मॉम तुसी जो डांटते हो ना अपने बालों नु, इधर आ जरा, तेनु एक दफा डांट दे प्लीज। वे टूट पैने मर गए। मैं तो आपका हस्बैंड बेगम क्या हो गया? ये एक औलाद है ये वाली जो रिच मॉम बनती है। चुकुंदर कुछ खा भी लिया, मेरी बिस्ती कराई। वेरी नाइस गाइस, वो प्रैंक ही था, बस वो प्रैंक। अब हम लोग जो है वो घर निकलने के। ओके गाइस, बाय बाय, गुजरांवाला आएंगे जरूर, मिलेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच सुनील भाई, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छी इफ्तार करवाई। इफ्तार के लिए, इनविटेशन के लिए बहुत मजा आया, खाना बहुत अच्छा था। अभी हमने आप लोगों के साथ एक हैवल क्विज करना था, वो रह गया अगली बारी के लिए। अगली बारी यहाँ पे रश काफी हो गया, बस यहाँ से निकलते हैं सीधा और फिर आपको दिखाते हैं। घर जाते जाते मुझे रास्ते में एक बात याद आ गई जी। एक काम करेंगे, मैं आंटी की तरफ नहीं लेके जा रहा, यही कह रही है ना? यही था ना, यही था ना, यही था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें, इकरा, मैं समझता हूँ तुम्हें। तो अगर आप जानते हैं तो मुझे कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आप मुझे खुद ही गाड़ी, बल्कि तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसको कहती हूँ मैं घुमा अम्मा की तरफ। घूम नहीं रही है। नहीं घूम, क्योंकि आपके हाथ में है ना, इसलिए नहीं घूम रही है। ले जाता हूँ। A few moments later. हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली घर। मेरी घरवाले ने कहा ना, इतना तैयार हो के, इतना शार हो के, लड़का तो पूरा शबाला बन के मम्मा से मिलने आया है ना। अस्सलामुअलैकुम। खुद ही सलाम करी जा रहे हैं, अम्मा मेरी किधर है? अस्सलामुअलैकुम। खाती अम्मा आ रही है, अम्मा का घर वक्त अच्छे ही मिलेगी। क्यों मम्मा, ये क्या बना रही है? देसी घी? देसी घी, देसी घी। मम्मा मेरे लिए भी देसी घी पैक कर दे, कल मैंने आलू वाले पराठे बनाए। कोई चीज से छोड़ दे, कोई चीज से छोड़ दे बेटा, क्या मसला है? खाती भी है देसी घी? कुछ नहीं खाती, नहीं खाती हूँ मम्मा। पूछा नहीं आज ना, इनसम तैयार हो गए, कहाँ से देख रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, फ्री तो हो जाऊँ, काम मत पूछू ना। मम्मा ने मैचिंग की हुई आपके यहाँ? स्मार्ट हो गया, स्मार्ट ब्लैक कॉफी का कमाल, सब अंदर भस्म, इतनी कड़वी होती है। वो कामयाब, वो मरेगा सीधा। मैंने तो शादी कर ली उसके साथ। अल्लाह अरीब, क्या मसला है? क्या हुआ है? आ तो रही लाइट, लाइट सोलर वाली सारी आ रही, जो मेन लाइट है वो नहीं आ रही। मेन भी आ रही है, पर चेक करें आपका माइक्रोवेव खराब हो। नहीं नहीं, ऊपर इस्त्री वाली जगह पे भी नहीं आ रही। चलो हो सकता है गर्म चीजें ना चल रही हो। नहीं नहीं, मेरे जो डायरेक्ट लाइट है ना वो नहीं आ रही, बाकी सारी मेरे ख्याल से वो सी जो सोलर वाली चीजें ना, सिर्फ वो चल रही है। हाँ, और कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, बाकी जो डायरेक्ट वाली वो नहीं चल रही। कंफर्म करना था, फोन के साथ आने से पंखे ले जाने, बाद में लाइट ही नहीं आ रही, लाइट ही नहीं आ रही। मेहमानों से मिलेंगे हैं, मेरी छोटी बहन मानो जिसे मैं मिलके मेहमानों घर जाने लगी, मैंने कहा तुझसे मिला तो तूने फोन से निकले तो तुझे पता होगा, तेरी ये कहता शादी शुदा बहन का रहा था। मैंने क्यों बताओ, मैंने क्या ली, क्या ली, क्या ली, बाय बाय। ओके मम्मा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अरीब साहब भाई मेरा वेट कर रहे हैं, हम हो रहे हैं लेट, लेट्स गो। ते हैं भाई, ये कौन है? अभी मैं बाहर आई हूँ, तुम कहाँ से आई हो? मैं इफ्तारी पे गई थी अपनी दोस्तों के साथ। मैं तुम इफ्तारी पे? हाँ, हम भी इफ्तारी पे गए थे, बताओ उसको। हाँ ये देखो, तुम इफ्तारी पे कैसे गई हुई हो और मैं इफ्तारी पे कैसे गई हुई हूँ। वाह,
तैयार श्यार हो के मेरा मेकअप उठ गया। मैं बड़ी मेहनत करके गई थी, मेरी रोजा भी रास्ते में खोला। बाल अच्छे लग रहे तुम्हारे। राबिया तो मेकअप के बगैर ही प्यारी लगती है, क्योंकि वो राबिया है ना, नेचुरल ब्यूटी। हसीन जी मिल चुकी। राबिया तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे। अरे कर्ल जाले में ना तुमने मुझे डिच कराया, तुमने मेरे साथ शूट एक कराना था यार। मैं इधर बाहर जाके कर लिया फिर। ये बहुत चला करीब अच्छी बात है, काम उसने जल्दी। नहीं मैं बताऊँ, मैं सुबह 8 बजे शूट करना था। नहीं मैं सुबह 8 बजे शूट करना था, मैं सोई रह गई। उठी यूनिवर्सिटी से वापस आके शूट किया, इतनी मेहनत से फटाफट भाग भाग के। चले ओके मम्मी, ओके राबे जा रहा हूँ। ओके बाय 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 बाय, टेक केयर, लाफेस। वहाँ से निकल चुके हैं, अब यहाँ से सीधा पहुंचेंगे अपनी बिल्ली मोहतरमा के पास। वो बेचारी सुबह से मियाऊ मियाऊ कर रही है, इंतजार कर रही है। जब हम आए थे वो सो रही थी, मुलाकात नहीं हो सकी। तातू तातू गाड़ी, तातू 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 घूम रहा है शेखर तातू श्री। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घर। क्या को बिल्ली किधर है? अरे ये कहाँ से लेके आए हो? ये पीछे से आ गया है, पिछले दरवाजे से। अच्छा जो ऊपर चाचू के साथ कलर मैच किया हुआ है, ऊपर जाना है। ऊपर चाची पास आओ, चाची ऊपर लेके जाए। ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाना है, ऊपर आ जाओ। चलो हैंडसम हंस तो देखो मेरा। चाची को भूल गया, उसे चाचू के पास रहता है। उसको पता था चाचू के ऊपर बाहर जाना है। कहाँ जाना है? तबीयत कैसी है इसकी? अब तबीयत कैसी? जुकाम है। हाँ उसकी ना आवाज नहीं निकल रही है, चिड़चिड़ा हुआ है। काका जो है वो सैर करके आ गया चाचू के साथ। जा रहा चेंज करने, ठीक है आप आज चेंज करके इसको हैंग करके रखनी है ऐसे, ठीक है गुड बॉय। ओके अब मेरा और जुहान का मी टाइम शुरू हो गया। चल आजा पापा दे दे मुझे जल्दी से, फिर नाइन दिखाऊंगा। क्या उसका गला नहीं चल रहा? वो बेचारा फिर भी कोशिश कर रहा है कुछ कहने की। क्या बैग चाहिए? बैग में उसको चिश चाहिए। भाभी भी आ गई है। कैसी थी इफ्तारी? इफ्तारी बहुत अच्छी, बड़ा मजा आया। काफी सारे लोग आए हुए थे। खाने का क्या मेन्यू था, क्या खाना खाते हैं, इफ्तार करके। आपकी इफ्तारी हमने मिस की, पतासा आलू भी हमने मिस की है। और इस लड़के को आपने लड़की बना दिया, इसको लिपस्टिक का कितना शौक है। खुश हो रहा है देखो जरा, लिपस्टिक से खुश हो रहा है। लिपस्टिक वाली लड़कियों से प्यार है। अभी उसने लड़कियां देखी कहाँ है? एक अपनी माँ देखता है, एक चाची देखता है। पता चले बाद में चाची के बैग में से लिपस्टिक निकाल के बच्चियों को गिफ्ट कर रहा है। चाचू तो गया है ना, वो चाचू को चाचू चेंज करके आ गए हैं और जुहान ने पार्टी बदल ली और वो अब चाची के साथ बैठा, क्योंकि चाची ने उसको लिपस्टिक लगाने दिया। इसलिए आप छुट्टी करें, मेरा पुत्र पहले आपके पास गया था ना। चाचू क्या नोजी लगी हुई है चाची उसके। चलो मेरा बेटा मुझे किसी करो। एक ट्राई नहीं है, दो ट्राई है, थ्री। ओके ओके मेरा किसी कर दो, एक चाचू को किसी कर दो, किसी कर दो। एक ट्राई में ड्रग का नो, एक ट्राई में हो गया। जॉन बाहर जाना है, बाहर जाना है, किसी कर दो, एक दो ट्राई। चल इधर इधर मैं बेबी इधर। चाचू तंग करते हैं ना, बस पहले चाचू पास नहीं जाता, उसके बाद जो है कंप्लीट। अब चाची को पापा दे दो। और मेरा बेबी छोटा तो चाची को भी नहीं मिला पापा। मैंने तो कर लिया ना, आपको तो वो भी नहीं मिला, मैंने तो कर लिया ना। हम इस वीडियो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को स्पेशली अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।